हेलो दोस्तों, खमागणी। आज मैं बना रही हूँ बची हुई चाशनी से मीठे चीले। तो मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चाशनी, 1 कटोरी चाशनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फेटेंगे इसको। आप एक ही साइड में इसको घुमाते रहिए। सर्कल से घुमाते रहिए, इसमें बबल्स नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हो ये अच्छे से मिल चुका है। मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप पानी। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। आप इसको सर्कल टाइप से घुमाएंगे ना, तो इसमें एक भी बबल्स नहीं रहेगा। आप देख सकते हो ये बैटर कितने अच्छे से तैयार हो चुका है, एक भी गांठ नहीं है इसमें। इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच कोकोनट पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच तिल, 2 इलायची बारीक कुटी हुई। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैंने तवे पे अच्छे से ग्रीस कर दिया है ऑयल से। आप घी ऑयल किसी से बना सकते हो। 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें डाल सकते हो। अब इसको धीरे धीरे फैलाएं। रोटी होती है उसी साइज को से उसी साइज में हम इसे फैला सकते हैं। आपको जितना बड़ा ज़्यादा करना हो उतना कर सकते हो। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है वो। बहुत इजीली बन जाते हैं ये और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। जब अगर आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो आप इसे बनाइए और खाइए। अब इसके चारों तरफ ऑयल ग्रीस करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह से डालें, अच्छे से ऑयल करें ताकि ये अच्छे से सिक पाए। इसको पलटने में आसानी रहेगी ऑयल से। आप देख सकते हैं ये इस कंडीशन पे आ जाए तब आप इसे पलटें, बहुत इजीली पलट जाता है ये। इसके हल्का 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 प्रेस करके इसको सेकेंगे अपन। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं आपके लिए मैं अगली रेसिपी कौन सी लेके आऊँ। और हमेशा सपोर्ट करते रहिए मुझे प्लीज़। इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इस साइड भी ऑयल लगाएंगे पलट के। हल्के हाथ से प्रेस करें इसको, ज़्यादा टाइटली नहीं, नहीं तो ये चिपक जाएगा और फिर पलटेगा नहीं, टूट जाएगा। आराम से करें ये। देख ली, देखिए कितनी इजीली पलट गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है इधर से भी। इसको हम वापस पलट कर अच्छे से सिकाई करेंगे इसकी। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। आप भी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। आप देख सकते हैं सीख चुका है। थैंक यू सो